नमस्कार, वीकेबी न्यूज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। पुणे में एक दर्दनाक हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई है, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल है। ये हादसा निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में स्लैब डालने के दौरान हुआ। वहीं करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग रोक दी गई है। कुछ ही दिन के गैप में शबाना आजमी और जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर यह फैसला लिया गया है। इसी बीच परमवीर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस की हिरासत में जेल में बंद बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मुंबई मनपा कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने मुंबई में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ाने पर जोर दिया है। सूत्रों के अनुसार 2025 तक बेस्ट में सभी बसें इलेक्ट्रिक करनी है। उधर बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने कहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में मौजूद सलीम जावेद की जोड़ी अब अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने में जुटी हुई है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पुणे में गुरुवार देर रात बड़ा हादसा हुआ, इसमें 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुणे की गेरवड़ा थाना क्षेत्र की घटना है। दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला। पुणे के डिप्यूटी कमिश्नर रोहिदास पवार ने कहा कि हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर राहुल श्रीरामे के मुताबिक यह हादसा गेरवड़ा के शास्त्री वाड़िया बंगले के करीब हुआ। यहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में देर रात काम चल रहा था, तभी पार्किंग में अचानक लोहे का भारी भरकम स्लैब गिर गया। हादसा लोहे के स्लैब को डालने के दौरान हुआ। इसे डालने के लिए 16 mm के लोहे के वजनदार सरिये से जाली बनाई गई थी। जाली के सहारे खड़े मजदूर काम पर लगे हुए थे। अचानक ये लोहे की विशालकाय जाली काम कर रहे 10 मजदूरों पर जा गिरी। जाली के नीचे दबे मजदूरों के शरीर में लोहे का सरिया घुस गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची। जाली में दबे मजदूरों को कटर की सहायता से बाहर निकाला गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी 3 मजदूरों का इलाज चल रहा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि ये मजदूर कहां से काम करने के लिए आए थे, ताकि उनके घर वालों को सूचना दी जा सके। करण जौहर की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी किसी न किसी वजह से लगातार खबरों में बनी हुई है। हाल ही में इस फिल्म में अहम रोल अदा करने वाली एक्ट्रेस शबाना आजमी को कोरोना हुआ था। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक अब जया बच्चन भी कोरोना वायरस की पीड़ित हो चुकी हैं। जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग तुरंत रोक दी गई है। करण जौहर ने फिलहाल के लिए अपनी इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग बंद करवा दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि कुछ ही दिन के गैप में शबाना आजमी और जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसी वजह से करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग को रोकने का फैसला लिया है। फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र ने पोर्टल को जानकारी दी कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग 2 फरवरी से शुरू हुई थी और इस शेड्यूल को 14 फरवरी को खत्म करना था। पहले शबाना आजमी पॉजिटिव आई और फिर जया बच्चन। करण ने अभी शूटिंग रोक दी है, वो बाकी किसी कास्ट और क्रू के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रणबीर, आलिया, शबाना और जया बच्चन के अलावा धर्मेंद्र भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। करण जौहर की एक और बिग बजट फिल्म तख्त भी कोरोना के चलते बन नहीं पा रही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने प्रवर्तन निदेशालय को दिए बयान में आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस की हिरासत में जेल में बंद बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे को प्रताड़ित किया जा रहा है। वाझे को जेल में नंगा कर अपमानित किया गया। उन पर अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि कस्टडी में होने के बावजूद सचिन वाझे और अनिल देशमुख के बीच चांदीवाल आयोग में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच लंबी मुलाकात हुई थी और इस दौरान देशमुख ने वाझे पर ईडी को दिए अपने जवाब वापस लेने का दबाव डाला था। थाने अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल ने भी सचिन वाझे पर देशमुख के खिलाफ दिए बयान को बदलने का दबाव बनाया था। परमबीर सिंह के अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बाद उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस समय देशमुख न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद है। सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रही है। अनिल देशमुख की जमानत अर्जी कई बार खारिज हो चुकी है। सिंह ने ईडी को दिए बयान में कहा कि अनिल देशमुख और मंत्री अनिल परब पुलिस के ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की लिस्ट फाइनल करते थे।
मुंबई मनपा कमिश्नर इकबाल सिंह चहल के संकेतों को समझें तो साफ है कि मुंबई में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2025 तक बेस्ट में सभी बसें इलेक्ट्रिक करनी है। बेस्ट जल्द ही 900 इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बसें भी खरीदने जा रही है। बीएमसी ने इस बार बेस्ट को 800 करोड़ देने की घोषणा की है, जो कि पिछली बार से 50 करोड़ ज्यादा है। बेस्ट की योजना के अनुसार मार्च 2023 तक 50% बसें इलेक्ट्रिक करनी है और 2025 तक 100% बसें इलेक्ट्रिक होंगी। इनमें से 1400 सिंगल डेकर एसी, 400 मिडी एसी और 100 मिनी एसी बसें होंगी। बेस्ट के अनुसार प्रति लाख यात्री पर 60 बसें होनी चाहिए। पूर्व मुंबई मनपा आयुक्त प्रवीण परदेसी ने जब बेस्ट को आर्थिक मदद दी थी तब कुछ सुधार की शर्तें रखी थी। इसमें किराया घटाने की भी एक शर्त थी। बेस्ट की बसों में देश भर की सबसे सस्ती किराया दरें हैं। यात्री 5 रुपए में सामान्य और 6 रुपए में एसी बस में यात्रा कर सकते हैं। पर्यावरण सुधारने के लिए बेस्ट को केंद्र की ओर और राज्य से भी आर्थिक मदद मिलने की संभावना है। बेस्ट ने 900 एसी डबल डेकर बस वेट लीज पर खरीदने की घोषणा की है। वेट लीज का मतलब ये है कि बेस्ट प्रति किलोमीटर के हिसाब से कंपनी को पैसे देगी और बस चलाने वाली कंपनी ही उसमें ईंधन, वेतन, रख रखाव का खर्च निकालेगी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। कंबोज ने अब अपनी इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए महाविकास आघाड़ी के 2 बड़े नेताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सियासत में मौजूद सलीम जावेद की यह जोड़ी अब अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने में जुटी हुई है। कंबोज ने यह आरोप शिवसेना के सांसद संजय राउत और एनसीपी नेता नवाब मलिक पर लगाया है। कंबोज के मुताबिक महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक सलीम की भूमिका में है, जबकि संजय राउत जावेद की। मोहित कंबोज ने शिवसेना नेता संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस अधिकारी ने वानखेड़े के बार एंड रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल किया वो उनकी बेटी के ससुर यानी उनके समधी हैं। कंबोज ने कहा कि एक तरफ जहां अदालत अवमानना के आरोप में नवाब मलिक को फटकार रही है, वहीं दूसरी तरफ सलीम जावेद की यह जोड़ी अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने में लगी हुई है। महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे नेता अपनी निजी दुश्मनी को निकालने के लिए पद का दुरुपयोग करने में जुटे हैं। बता दें कि गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के नवी मुंबई स्थित सदगुरु रेस्टोरेंट एंड बार के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। कंबोज ने कहा कि 24 साल बाद वानखेड़े के रेस्टोरेंट एंड बार के लाइसेंस को रद्द किया गया, यह सही है या गलत ये तो वक्त ही तय करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पंजाब में सियासी उबाल तेज है। उधर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को पार्टी की विधिवत कमान सौंपने की तैयारी में है। तो एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की केंद्र ने सुरक्षा बढ़ा दी है। गुरुवार को मेरठ से दिल्ली आते समय छिचारसी टोल गेट पर उन पर जानलेवा हमला हुआ था। इसी बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर हाईकमान पर निशाना साधा है। सिद्धू ने कहा कि शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी ताल पर नाच सके। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन किया है। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार देर रात बड़ी कार्रवाई कर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया। जालंधर में ईडी अधिकारियों द्वारा दिन भर की पूछताछ के बाद हनी को गिरफ्तार किया गया। दरअसल 18 जनवरी को चन्नी की साली के बेटे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और अन्य के ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे थे। हनी के चंडीगढ़, लुधियाना, मोहाली और फतेहगढ़ के 10 अलग अलग ठिकानों पर छापे पड़े थे। अवैध बालू खनन माफिया और इससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी 6 ठेकेदारों के खिलाफ जांच कर रही है। इस दौरान जांच एजेंसी ने हनी और उसके सहयोगी के आवास से 6 करोड़ रुपए और प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए थे। इस दौरान जांच एजेंसी ने हनी और उसके सहयोगी के ठिकानों से 10.7 करोड़ रुपए की नकदी, लगभग 21 लाख का सोना और 12 लाख की रोलेक्स घड़ी बरामद की थी। इसके बाद से सीएम चन्नी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। वही सीएम चन्नी ने इसे दबाव बनाने की कोशिश बताते हुए कहा था कि चुनाव करीब है, इसलिए उन पर दबाव बनाने व उन्हें और उनके मंत्रियों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी के रिश्तेदारों पर इसी तरह के हमले किए गए थे। बिहार विधानसभा में संख्याबल में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अब राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव को पार्टी की विधिवत कमान सौंपने की तैयारी में है।
पार्टी में जल्द ही संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि तेजस्वी को इस चुनाव में पार्टी की कमान सौंप दी जाएगी। पटना में 10 फरवरी को राजद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इसमें 26 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष समेत 76 से ज्यादा सदस्यों की शिरकत करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में लालू प्रसाद भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान राजद के संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी, जिसका समापन अगले 6 महीने में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ होगा। माना जा रहा है कि पार्टी इस बार तेजस्वी यादव को अध्यक्ष चुन सकती है। तेजस्वी को प्रारंभ से ही लालू प्रसाद का राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा है। लालू प्रसाद भी तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता की तारीफ कर चुके हैं। राजद के एक नेता कहते भी हैं कि विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पार्टी के बड़े नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं में है। ऐसे में लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी के मामले में अब कोई उहापोह नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि लालू प्रसाद के स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए भी अध्यक्ष पद पर ज्यादा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को मेरठ से दिल्ली आते समय छिजारसी टोल गेट पर जानलेवा हमला हुआ था। हमलावरों की तरफ से चलाई गई गोलियां उनकी कार पर लगी और असदुद्दीन ओवैसी बाल बाल बच गए। अब केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करा दी है। वारदात में शामिल दो आरोपी गौतम बुद्ध नगर के सचिन और देवबंद सरहानपुर निवासी शुभम को हापुड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि सचिन असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषणों को लेकर नाराज था, इसलिए पिछले कई दिनों से ओवैसी पर हमले की प्लानिंग कर रहा था। ये दोनों मेरठ में ओवैसी की सभा में भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी गोलीकांड का मुख्य आरोपी सचिन कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था। वह ओवैसी की मेरठ की सभा में भी गया था। शुभम के साथ हमले के लिए काफी दिन वह अच्छे मौके की तलाश में था। उनकी योजना थी कि वह असदुद्दीन ओवैसी को मारने के बाद सीधे पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर देंगे ताकि भीड़ के गुस्से से बच जाए। लेकिन गुरुवार को सचिन ने जब गोली चलाई तो वह निशाने पर नहीं लगी। इसके बाद ओवैसी के ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा ली, इससे उनका प्लान फेल हो गया। पंजाब में कांग्रेस 6 फरवरी को मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करेगी। इसके लिए मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मुख्य दावेदार हैं। हालांकि इससे पहले ही सिद्धू ने हाईकमान पर निशाना साध दिया है। अमृतसर में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए सिद्धू ने कहा कि अगर नया पंजाब बनाना है तो ये मुख्यमंत्री के हाथ में है। इस बार आपको मुख्यमंत्री चुनना है। शीर्ष पर बैठे लोग एक कमजोर मुख्यमंत्री चाहते हैं जो उनकी ताल पर नाच सके। क्या आप ऐसा सीएम चाहते हैं? इससे पहले पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व प्रचार समिति के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम चेहरा घोषित करने की वकालत की थी। उनके इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सिद्धू ने कहा है कि ये सुनील जाखड़ पर निर्भर है कि वह क्या कहते हैं, लेकिन ये न तो उनके हाथ में है और न ही मेरे। जनता विधायक चुनेगी और फिर सीएम चुना जाएगा। हमें लोगों को एजेंडा देना है। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे की दौड़ में केवल 2 नेताओं को ही पार्टी हाईकमान ने प्राथमिकता दी है। हाईकमान ने इस मामले में प्रदेश के सभी दिग्गज कांग्रेसियों को साइडलाइन कर दिया है। यहां तक कि जिन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया था उन्हें भी अनदेखा कर दिया गया है। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाते गुस्सा बढ़ने लगा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर शहर विधानसभा सीट के लिए आज नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन के पहले योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की पहली मंजिल पर स्थित शक्ति मंदिर में पूजन के बाद भगवान शंकर का रुद्राभिषेक और हवन किया। उन्होंने कोरोना संकट के बीच जगत कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। उसके बाद शिवावतारी गुरु गोरखनाथ का पूजन कर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन कर रहे हैं। इस मौके पर उनके प्रस्तावकों में सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। इन नामों में रैदास मंदिर समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ व्यापारी सुरेंद्र अग्रवाल, शिक्षाविद मंकेश्वर पांडे और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव शामिल है। जानकारों का कहना है कि गोरखपुर सीट के समीकरणों को देखे तो प्रस्तावकों को ये नाम समाज के अलग अलग वर्गों की रहनुमाई करेंगे। भाजपा की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिन 4 प्रस्तावकों और एक इलेक्शन एजेंट का चयन किया गया उसके माध्यम से समाज के हर वर्ग को सम्मान दिया गया। अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के शीर्ष नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इसकी घोषणा की है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के शेयरों में गुरुवार को 26% गिरावट आई है।
कंपनी ने इसके लिए भारत में डेटा की कीमत में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। इसी बीच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोही पिछले कई घंटे से पाकिस्तानी सेना का जमकर खून बहा रहे हैं। बलूचों का दावा है कि इस भीषण हमले में 100 सैनिक मारे गए हैं। तो बीजिंग में हो रही 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में भारत के राजनयिक शामिल नहीं होंगे। गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल वाहक बनाए जाने से भारत ने अफसोसजनक बताया है। उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं। विशेषज्ञ आकलन कर रहे हैं कि ये बीते पिछले माह किए गए 7 मिसाइल टेस्ट की खुशी का परिणाम हो सकता है। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के शीर्ष नेता अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को मार गिराया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम सीरिया में अमेरिकी सैन्य बलों ने उसे ढेर किया है। इस मिशन में 24 विशेष अभियान कमांडो शामिल थे जो कि जेट, रिपर ड्रोन और हेलीकॉप्टर गनशिप के साथ थे। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक सेना के हमले की भनक मिलते ही आतंकी अल कुरैशी ने खुद को परिवार सहित बम से उड़ा दिया। मिशन के दौरान 6 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 13 मारे गए। बताया जा रहा है कि यह ऑपरेशन ठीक उसी तरीके से किया गया है जैसे 2011 में ओसामा बिन लादेन के खिलाफ चलाया गया था। इसी क्षेत्र में 2019 में अमेरिकी सैनिकों ने ISIS के पिछले नेता अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया था। ISIS के मुखिया अबू इब्राहिम अल हाशिमी अल कुरैशी को साल 2004 में इराक के बुका में US द्वारा संचालित एक कैंप में कैद किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस आतंकी संगठन में काफ़ी सक्रिय था। अबू इब्राहिम ISIS के पूर्व चीफ अबू बकर अल बगदादी का सबसे भरोसेमंद शागिर्द भी था। यह भी कहा जाता है कि यजीदी समुदाय के अल्पसंख्यकों को मौत के घाट उतारा था। पूरी दुनिया में इस आतंकवादी संगठन के आतंकी मंसूबों का नियंत्रण इसी आतंकवादी के हाथों में था। साल 2019 में US के ऑपरेशन में बगदादी के मारे जाने के बाद अबू इब्राहिम इस संगठन की कमान संभालता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के शेयरों में गुरुवार को 26% गिरावट आई। इस गिरावट से मेटा का मार्केट कैप $200 अरब गिर गया। यह किसी अमेरिकी कंपनी के मार्केट कैप में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $31 अरब कम हो गई। उनकी नेटवर्थ पर अब $89.6 अरब रह गई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 10वें नंबर पर खिसक गए हैं। मेटा ने बुधवार को कहा था कि उसे टिकटॉक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से कड़ी टक्कर दे रही है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी का रेवेन्यू बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसके बाद बुधवार को भी कंपनी के शेयर में कारोबार के दौरान 20% गिरावट आई थी, लेकिन बाद में वह संभल गया था। गुरुवार को यह 26% गिरावट के साथ बंद हुआ। फेसबुक 2012 में अमेरिका बाजार में लिस्ट हुई थी और इसके बाद से यह कंपनी के शेयरों में सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट है। इस गिरावट से मेटा के मार्केट कैप में $200 अरब की गिरावट आई है। इससे पहले 3 सितंबर 2020 को एप्पल के मार्केट कैप में करीब $180 अरब की गिरावट आई थी। उसी साल 16 मार्च को माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप $177 अरब गिर गया था। कंपनी ने इसके लिए भारत में डेटा की कीमत में हुई बढ़ोतरी को भी जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बलूच विद्रोही पिछले कई घंटे से पाकिस्तानी सेना का जमकर खून बहा रहे हैं। बलूचों का दावा है कि इस भीषण हमले में 100 सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना ने भी माना है कि अभी जंग जारी है और आधिकारिक ऐलान के मुताबिक उसके 7 जवान शहीद हुए हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सैनिक जंग में मारे जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति आरिफ अलवी ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। बलूचों के हमले के बीच किए गए ट्वीट पर आरिफ अलवी को जब पाकिस्तान लोगों ने घेरना शुरू किया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इस शर्मनाक हरकत के कारण आरिफ अलवी सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हो रहे हैं। उधर बलूचों विद्रोहियों के हमलों से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि बलूच विद्रोहियों के आका अफगानिस्तान और भारत में बैठे हुए हैं। बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में बुधवार को बलूच विद्रोहियों ने पांजगुर और नुश्की इलाके में फ्रंटियर कोर और सेना के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर दिया था जो अभी भी जारी है। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि शुरुआती जांच के अनुसार खुफिया एजेंसियों ने हमला करने वाले आतंकवादियों और अफगानिस्तान और भारत में बैठे उनके हैंडलर्स के बीच बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। चीन की राजधानी बीजिंग में हो रही 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में भारत के राजनयिक शामिल नहीं होंगे।
नई दिल्ली ने इस समारोह में गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक सैन्य कमांडर को ओलंपिक मशाल वाहक बनाए जाने को अफसोसनाक बताया। चीन की जनमुक्ति सेना के गलवान घाटी के कमांडर को शीतकालीन ओलंपिक मशाल देकर चीन द्वारा सम्मानित किए जाने के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस मुद्दे पर रिपोर्ट देखी है। यह अफसोस की बात है कि चीन ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करना चुना। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सैन्य कमांडर को इस तरह से सम्मानित करने के चीन के कदम को अफसोसजनक करार दिया। रिपोर्ट के अनुसार जनमुक्ति सेना के रेजिमेंट कमांडर क्वी फाबाओ 15 जून 2020 को गलवान घाटी में भारत के साथ संघर्ष में शामिल रहे थे, जिन्हें चीन ने ओलंपिक समारोह में मशाल वाहक के रूप में चुना। विदेश मंत्रालय की घोषणा के बाद प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि दूरदर्शन का खेल चैनल ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह का प्रसारण नहीं करेगा। भारत का यह कदम ऐसे समय में आया है जब 2 महीने पहले उसने रूस, भारत, चीन त्रिस्तरीय ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन द्वारा बीजिंग ओलंपिक की मेजबानी का समर्थन किया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो तेजी से अपने घोड़े को दौड़ा रहे हैं। उनके साथ में कुछ दूसरे लोग भी अपने अपने घोड़ों पर उनके पीछे हैं। माना जा रहा है कि ये उनके अंगरक्षक हो सकते हैं। किम इस वीडियो में किसी पहाड़ी इलाके में घोड़े को सरपट भगाते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब विशेषज्ञ इसका आकलन करने में लगे हैं कि ये बीते पिछले माह किए गए 7 मिसाइल टेस्ट की खुशी का परिणाम है या इसके जरिए किम कुछ और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि पिछले माह हुए 7 मिसाइल टेस्ट में से किसी में भी किम जोंग उन मौजूद नहीं थे, न ही इस दौरान उनका कोई बयान ही सामने आया था। इन सभी परीक्षणों से न सिर्फ कोरियाई प्रायद्वीप की चिंता बढ़ी थी बल्कि विश्व के दूसरे देशों ने भी इस पर चिंता का इजहार किया था। उत्तर कोरिया ने इस दौरान 2017 के बाद से अपना सबसे शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण भी किया था। माना जा रहा है कि किम अपने इस वीडियो से ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर सब कुछ ठीक है और हाल में लगे प्रतिबंधों से उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। इन मिसाइल परीक्षणों के बाद उत्तर कोरिया की सरकार की तरफ से किम पर बनाई एक डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में रिलीज किया गया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।